अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी जानदार के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल से हमें ऑर्गेनाइजेशंस बुक्स के अंदर मिलती हैं कि जहाँ पर हमें बताया जाता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलकर एलिमेंट बनाएंगे, एलिमेंट फिर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे उनसे फिर ऑर्गेनेलीज बनेंगी, ऑर्गेनेलीज से फिर सेल बनेगा और एक सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। तो हम ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन और टिश्यू लेवल को छोड़कर, फिर सेल लेवल को छोड़कर, हम पीछे की तरफ ऑर्गेनेली लेवल को भी छोड़कर, तो हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आज बायोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं। यानी कि हम इसमें भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़ेंगे लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल से या मॉलिक्यूल्स के लेवल से। सो बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी जानदार के अंदर मौजूद हों। अब ये बायो मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजी के अंदर एक स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर पढ़े जाते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल रिएक्शंस। यानी कि बायोलॉजी की वो शाख जो केमिकल कंपोनेंट्स को और केमिकल रिएक्शंस को डील करे या इनके मुतायले से मुतालिक हो, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि बायोकेमिस्ट्री को दो कंपोनेंट्स में तकसीम किया गया कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप केमिकल कंपोनेंट को भी स्टडी कर सकते हो और इसके अंदर आप केमिकल रिएक्शंस को भी स्टडी कर सकते हो। यानी कि जानदार के अंदर जितने भी कंपाउंड हैं वो भी पढ़ने हैं और जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ना है। तो हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कंपोनेंट्स दोनों के बारे में पढ़ना है बायोलॉजी के अंदर। लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसके अंदर हम पहला हिस्सा देखेंगे जिसमें हम केमिकल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे या जानदार के अंदर मौजूद कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो हिस्सा है केमिकल रिएक्शंस, ये हम इसी बुक के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर 11th चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे या आप लोग 9th ग्रेड के अंदर 7th चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। तो केमिकल कंपोनेंट्स को या केमिकल कंपाउंड्स को हमने यहां पढ़ना है। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें कि आखिर हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं, तो इंपॉर्टेंस भी ये है कि इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि ये किसी भी जानदार की एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी को जानने के लिए जरूरी है। अब एनाटॉमी क्या है कि जानदार के जिस्म के अंदर की जो साख्ते हैं, जो जिस्म के अंदर के हिस्से हैं, हम उसे एनाटॉमी में पढ़ते हैं। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि उन हिस्सों का या जानदार के जिस्म के जो हिस्से हैं उनके अफ़ाल क्या हैं। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री को नहीं पढ़ते तो हमें नहीं पता चलेगा कि जानदार के जिस्म के अंदरूनी हिस्से या बैरूनी हिस्से किन चीज़ों से बने हुए हैं। अगर हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ लें तो हमें उनकी कंपोजिशन और उनकी फिजियोलॉजी यानी कि काम करने का तरीका आसानी से पता चल जाएगा। जैसा कि अगर हम टिश्यू लेवल या सेल लेवल की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि सेल ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनता है और ऑर्गेनेलीज मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं। जैसा कि अगर हम न्यूक्लियस को उठा लें, इस न्यूक्लियस का सब पार्टिकल या छोटा हिस्सा हम उठाते हैं डीएनए को। अब जो डीएनए है, डीएनए दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है मोस्टली, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड आगे शुगर पर भी मुश्तमिल होता है, फास्फेट ग्रुप पर भी मुश्तमिल होता है, नाइट्रोजनस बेसिस पर भी मुश्तमिल होता है। तो अगर हमने किसी भी जानदार की एनाटॉमी को देखना है तो हमें उसके अंदर मौजूद केमिकल्स के बारे में जानना ज़रूरी होगा।
क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि तमाम जानदार बायोकेमिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं या ऐसे कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं जो के जानदारों में, सॉरी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो के जानदारों के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे पहला कंपोनेंट, सॉरी दूसरा कंपोनेंट के केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं। जानदारों के अंदर जो मोस्टली केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें एक फोटोसिंथेसिस है, दूसरा रेस्पिरेशन है, तीसरा डाइजेशन है और चौथा मसल कंट्रैक्शन है। फोटोसिंथेसिस का आप कई बुक्स के अंदर पढ़ चुके हैं या बहुत सी क्लासेस में पढ़ा है कि जानदारों का खुराक तैयार करने का अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है, या सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनाना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। रेस्पिरेशन, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं या जो चीज़ें फोटोसिंथेसिस में बनी हैं उनकी ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी हासिल करना रेस्पिरेशन है। डाइजेशन में हम कहते हैं कि जो जानदार ने खुराक हासिल की है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन को हम डाइजेशन कहते हैं। मसल कंट्रैक्शन, मसल्स का सिकुड़ना और फैलना, जैसे जिस्म के बाजू के मसल सिकुड़ते और फैलते हैं तो इनसे हरकत पैदा होती हैं, तो इस मसल्स की कंट्रैक्शन भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर आती है। तो ये थे केमिकल रिएक्शन किसी भी जानदार के अंदर जो मौजूद होते हैं या हो रहे होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और मसल कंट्रैक्शन आता है। अब जो दूसरा हम पढ़ रहे हैं वो है केमिकल कंपोनेंट्स, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक तो जानदार के जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस और दूसरा उसके जिस्म के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स। तो किसी भी जानदार के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। सो द कंपाउंड दैट आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स, के जानदार जिन कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होता है उन कंपाउंड को हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब बायो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं या इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर ऑफ टू टाइप्स, इनकी दो अकसाम हैं, एक किस्म है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और दूसरी किस्म है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स रखे जाते हैं या हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मसलन आप अगर ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला है C6H12O6। अब आप इसके अंदर देखेंगे कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। या इस हाइड्रोकार्बन्स या ग्लूकोज को जब हम तोड़ेंगे तो इस ग्लूकोज से टेम्परेरी 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो हम जानते हैं कि जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हों उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो हमें हासिल होते हैं वो भी मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही समझे जाते हैं। सो द कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स। अगर हम इनके एग्जांपल पढ़ें तो वो कंपाउंड या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसी जानदार में पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ी क्लास आपके पास आती है हाइड्रोकार्बन्स की, दूसरी प्रोटीन, तीसरी लिपिड्स और चौथी न्यूक्लिक एसिड। ये आप इसी चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे कि जानदार के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन आती है, लिपिड्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड आते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड के तौर पर जानते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड के तौर पर जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है टाइप्स में हमने कहा था ना कि ऑर्गेनिक, सॉरी जो केमिकल कंपोनेंट या कंपाउंड है दो अकसाम के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो अब दूसरी टाइप है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कौन से होते हैं? हम कहते हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स अदर देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो तमाम तर कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अलावा इस दुनिया में पाए जाते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। यानी कि
इस कायनात या इस यूनिवर्स में मौजूद वो तमाम तर कंपाउंड जो ऑर्गेनिक की क्लास में शामिल ना होते हों बल्कि ऑर्गेनिक से अलग रखे जाते हों, उन तमाम को हम इनऑर्गेनिक के तौर पर जानते हैं। जैसा कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड हैं, बेसिस हैं या साल्ट्स वगैरह हैं, ये वो कंपाउंड हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रखते, इसलिए हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर आप पहले पहले पानी की या वाटर को देख लें तो उसका फार्मूला है H2O, सिंपल फार्मूला। आप अगर इसको गौर से देखें तो इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है, और हमने ऑर्गेनिक के लिए शर्त रखी थी कि हाइड्रोकार्बन हो, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पर मुश्तमिल हो। अब इसमें हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन इसमें कार्बन मौजूद ना होने की वजह से हम पानी को इनऑर्गेनिक लेते हैं। अब दूसरे नंबर पर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन के अंदर शामिल नहीं होगी, ये भी इनऑर्गेनिक समझी जाएगी। अगर हम एसिड की बात करें तो मैं कहता हूँ HCl, आप अगर देखो इसको तो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन आइटम या एलिमेंट है, ये कार्बन नहीं है। तो यहाँ कार्बन मौजूद नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन मौजूद हैं, तो एसिड भी इसका मतलब इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस मेरे पास है NaOH, अब देखो इसमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, कार्बन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब बेसिस भी इनऑर्गेनिक होती हैं। अगर हम साल्ट्स की बात करें तो साल्ट में आपके पास आता है NaCl, तो इसमें सोडियम और क्लोरीन फिर से आ गए, इसमें तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस और साल्ट्स को इनऑर्गेनिक के तौर पर जानते हैं। अब अगली बात कि जानदारों के अंदर अगर ये कंपाउंड पाए जाते हैं तो ये कंपाउंड आते कहाँ से हैं, ये क्वेश्चन है कि जानदार में ये कंपाउंड कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके लिए बुक्स के अंदर लिखते हैं या साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, अगर जानदार जिंदा रहना चाहता है तो उसे मुसलसल माहौल से इन मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा, यानी कि आप फसलें बोते हो, जानवर पालते हो, उन जानवरों से, उन फसलों से या अपनी गिजा से, या आप इसको टोटली कह सकते हो कि बैरूनी माहौल से आप खुराक के तौर पर उनको खाकर अंदर ले जाते हो, इसको हम कहते हैं इनटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर वहां पर जाकर उनको हजम करते हो, तोड़ते हो, तोड़कर फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हो। मसलन आप कोई भी चीज लेकर गए, फर्ज करो आप चेयर लेकर गए, उसकी एक टांग बड़ी या छोटी है, आप उसको लेकर कमरे के अंदर इंटर कर गए तो इसको हम कहते हैं इनटेक ऑफ चेयर, चेयर अंदर पहुंच गई। अब उसकी एक टांग बड़ी है, आपने क्या किया, उस एक टांग को काट दिया, अब वो आपके मतलब की बन गई, टांगे बिल्कुल सेट हो गई। तो जानदार भी यही करते हैं कि पहले तो माहौल से कोई भी मॉलिक्यूल अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं, उसको फिर हजम करते हैं, हजम करने के बाद अपने मकसद के कंपाउंड में तब्दील कर देते हैं या फिर एनर्जी हासिल कर लेते हैं। सो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने सर्वाइवल चाहनी है, मतलब कि सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन, अगर जानदार ने सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है कि टेकिंग इन सबस्टांसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट, माहौल से चीज़ों को अंदर ले, खाना खाए, अगर वो कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा। टेकिंग इन सबस्टांस, बाहर के माहौल से चीज़ों को अपने जिस्म के अंदर दाखिल करे, देन यूज देम टू फार्म मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, फिर उन्हीं सबस्टांसेस को इस्तेमाल करके जिंदगी के लिए मादे बनाए। तो ये दो चीजें जरूरी हैं अगर जानदार ने सर्वाइव करना है। लेकिन हम देखेंगे ये कि जो उसने मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ बनाए उनको फिर क्या करेगा, मादे जिस्म में ले गया, उनको अपने मुताबिक या अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर लिया, यानी कि उनको कन्वर्ट कर लिया, तब्दील शुदा मादों का अब क्या करेगा। अब हम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ बनाए जानदार ने इनका क्या करता है। ऑर्गेनिज्म यूज देम इन बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेल्स एंड आल्सो ऑब्टेन एनर्जी,
जो मॉलिक्यूल्स उसने इस अमल के तहत बनाए उनसे या तो अपने सेल्स और जिस्म के हिस्से बनाएगा, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेल्स, सेल के हिस्से बनाएगा, या फिर उन मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी हासिल करेगा। सो टू ऑब्टेन एनर्जी और टू बिल्ड योर मटेरियल्स ऑफ बॉडी और सेल, इन दो मकासद के लिए इन मादों को इस्तेमाल करेगा, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेल एंड ऑब्टेन एनर्जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये मादों को अंदर लेना, उनको तब्दील करना, उनको इस्तेमाल करना, ये ऐसे नहीं हो जाते, खुद ब खुद नहीं हो रहे, ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होते हैं। कि मादों को अंदर लेना है, उनको हजम करना है, उनको कन्वर्ट करना है, तो ये खुद ब खुद नहीं होगा, इसके लिए जानदार को केमिकल रिएक्शंस करने होंगे अपने अंदर। तो उन केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम एक टर्म के बारे में जानेंगे और वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। किसी भी जानदार के अंदर होने वाले तमाम तर केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म के तौर पर जानते हैं। मसलन उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसके अंदर एस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, मसल कंट्रैक्शन हो रही है, तो ये तमाम तर केमिकल रिएक्शन मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे, ना के एक एक करके। सो ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी जानदार के अंदर होने वाले तमाम तर केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म के तौर पर जानते हैं। मेटाबॉलिज्म को आगे हम टाइप्स में या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम दो टाइप्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि दो तरह से मेटाबॉलिज्म होता है। जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है अप, यानी कि लोअर वैल्यूज से अपर वैल्यूज तक जाना या लो लेवल से हाई लेवल तक जाना। क्या मतलब हाई लेवल तक जाना? आप सबसे पहले अगर इस इक्वेशन को गौर से पढ़ लें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कैसे? इस इक्वेशन में मैं ग्लूकोज की जगह पर उसका कीमियाई फार्मूला लिख देता हूं, ये C6H12O6, ये उसका कीमियाई फार्मूला है। अगर आप गौर से देखो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, पहले हम बात कर चुके हैं, इनऑर्गेनिक है, ये पानी भी इनऑर्गेनिक है, तो ये दोनों, पहली बात इनऑर्गेनिक हैं, दूसरी बात ये सादा है, ये भी सादा मॉलिक्यूल है, तीसरी बात ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये भी छोटा मॉलिक्यूल है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर भी तीन कंडीशंस बनती है, वो ये कि ये ऑर्गेनिक है, लार्जर है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए हम यहां पर एक स्केच ड्रा कर देते हैं। मसलन यहां पर मैं कहता हूं कि रिएक्टेंट, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इन दोनों की पहली प्रॉपर्टीज कि ये स्मॉलर हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरी कि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, और तीसरी कि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब आगे देखो, अगर मैं फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट की बात करूं तो ये है C6H12O6। अब आप लोग इसको देखो तो ये लार्जर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है, और ये मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है। अब आप इस स्केच को देखते हुए कोई भी डेफिनेशन कर सकते हो इसकी। क्या डेफिनेशन करोगे? कि फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल, के इन छोटे मॉलिक्यूल्स से बड़ा मॉलिक्यूल बनाना एनाबॉलिज्म कहलाता है। अगर ये ना आए पसंद तो ये कर लो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल से या सादा मॉलिक्यूल से पचीदा मॉलिक्यूल बनाने का अमल भी एनाबॉलिज्म कहलाता है। अगर वो भी पसंद ना आए तो यूं कर लो कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो मतलब आप तारीफ में लिख सकते हो कि सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स।
छोटे सबस्टांस या मॉलिक्यूल मिलते हैं और पचीदा मॉलिक्यूल बना देते हैं, सादा मॉलिक्यूल्स के मिलने से पचीदा मॉलिक्यूल बने, ये भी एनाबोलिज्म है। या फिर इसको और सादा अल्फाज में लिख लो कि फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल सबस्टांसेस या फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और खसूसियात इसके एनाबोलिज्म की, इस अमल के दौरान एनर्जी इस्तेमाल होगी, यानी कि जब आप किसी छोटी चीज़ को बना रहे होंगे तो उसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी, इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सूरज की रोशनी का होना ज़रूरी है। तो हम कहते हैं एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग द एनाबोलिज्म, कि हमने मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड्स बनाने हैं वो बॉन्ड एनर्जी की शक्ल हैं, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। या एक आम एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जब वेल्डिंग करा रहे होते हैं आप लोहे को, तो उसमें भी एनर्जी के जरिए ही उन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, तो चीज़ को जोड़ने के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है। सो हम कहते हैं कि एनर्जी इज यूज ड्यूरिंग द एनाबोलिज्म। अगर हम इसके एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस का अमल आता है, कि जिसमें ये सिंपल मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, एनर्जी इस्तेमाल की और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दिया, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, एनाबोलिज्म। जो नेक्स्ट है वो है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है डाउन, मतलब कि डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आना, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आना, कंप्लेक्स लेवल से सिंपल लेवल की तरफ आना। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो पचीदा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट कर सिंपल मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। मसलन आपने एक और अमल पढ़ा रेस्पिरेशन का, आप कहते हो कि C6H12O6 के साथ जब ऑक्सीजन मिलाई जाती है तो ये रेस्पिरेशन का अमल होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाती है, साथ में हमें एनर्जी भी हासिल होती है जो कि खारिज हुई। अब इस इक्वेशन से या इस रिएक्शन से आपको सब कुछ पता चल सकता है, ये लार्जर मॉलिक्यूल है, जब ये टूटा तो इससे सिंपल मॉलिक्यूल बने, साथ में एनर्जी भी खारिज हुई, इसी अमल को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। यानी कि कंप्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन टूटते हैं एंड फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल्स और छोटे मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, और इस अमल के दौरान एनर्जी रिलीज्ड होती है, बाहर खारिज होती है, जिसको एटीपी की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल पढ़ें कैटाबोलिज्म की, तो सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो है रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और इसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ देती है, साथ में एटीपी या एनर्जी भी खारिज हो जाती है। तो ये अमल कैटाबोलिज्म का है। अब हम एक और बात पढ़ेंगे जी, वो क्या है कि क्या ये दोनों रिएक्शंस जानदार के अंदर वक्फे वक्फे से होते हैं या डिसकंटिन्यूसली होते हैं? नहीं जी, अगर एक अमल मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स 3-4 हफ्ते तक चलता रहे और ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स ना हो तो डेथ हो जाएगी। इन दोनों रिएक्शंस को साथ साथ चलना चाहिए। मसलन पौधा खुराक बनाता रहे 10 दिन तक 15 दिन तक और उसको इस्तेमाल ना करे, पौधे की डेथ हो जाएगी। अब पौधे ने खुराक बनाई है तो उसको साथ साथ इस्तेमाल भी करता रहे, जो बचती रहे उसको स्टोर करता रहे। सो हम इसमें कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे कि क्या इनमें कोई डिसकंटिन्यूसी आती है या कंटिन्यूस प्रोसेस है, दोनों ही चलते रहते हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि देयर इज अ कोऑर्डिनेशन इन एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शंस में कोऑर्डिनेशन होता है। क्यों कोऑर्डिनेशन होता है? बिकॉज दीज गो हैंड इन हैंड इन सेल। ये सेल के अंदर साथ साथ वकूफ पजीर हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। कैसे होते हैं? मसलन अगर कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने हैं तो उनकी ब्रेक डाउन होगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल मॉलिक्यूल में। तो कंप्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में अगर कन्वर्ट हुए तो ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये कैटाबोलिज्म है। फिर ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स मिले, ये सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर फिर से कंप्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एनाबोलिज्म है। तो ये आप देख लो, मैंने एक पाथवे बना दिया, एक चेन बना दी, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन है।
कि अगर कंप्लेक्स मॉलिक्यूल टूट कर सिंपल बना रहे हैं तो फिर वो सिंपल कंप्लेक्स बनाने के लिए अगले स्टेप पे चले जाएंगे, ये नहीं है कि वक्फे वक्फे से रिएक्शन जारी रहेंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू लिपिड्स एंड प्रोटीन, इनटू लिपिड्स एंड प्रोटीन। क्या मतलब? जो कार्बोहाइड्रेट हम खाने के जरिए अंदर लेकर जाते हैं, ब्रेड या रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ा जाता है, ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है, फिर ग्लूकोज को आगे लिपिड्स बनाने के लिए और प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो अब इस कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेक्राइड का टूटना पहली बात, उससे ग्लूकोज का बनना ये बात, फिर उस ग्लूकोज से प्रोटीन और लिपिड्स का बनना, ये प्रोसेस है एनाबोलिज्म। सो हमें पता चल गया कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म में लेकर जाते हैं फिर उससे लिपिड्स और प्रोटीन बनाते हैं, तो उस वक्त एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है।